हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब अभी हम हमारा जनरल साइंस का हरिहंत का वन लाइनर पढ़ रहे हैं उसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम सो बेसिकली हम समझते हैं पहले कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या देखो कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ नथिंग बट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट थ्रू वेरियस मेथड इस नॉन इज कम्युनिकेशन सिस्टम अभी आपने पुराने जब एशंट में देखा होगा कि अगर एक इन्फॉर्मेशन पीस में एक राजा को दूसरे राजा के पास बेचनी होती थी तो बहुत सारे तरीके होते थे या तो वो घोड़ों की मदद से किसी सिपाही को भेजता था कबूतर की मदद से भेजता था पर अब वो सारी चीज़ के यहाँ डिजिटल हो गई है अब राजा को डायरेक्ट नहीं जाना पड़ता या तो वो ईमेल कर सकता है या फैक्स कर सकता है या फिर सैटेलाइट की मदद मदद से भेज सकता है सो तो अब कम्युनिकेशन के वेस जो है डिजिटलाइज हो गए हैं इसलिए हमें कम्युनिकेशन को मनना है थोड़ी डिजिटलाइज वे में कम्युनिकेशन का एक्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं मोबाइल फ़ोन आर बेटर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशनस तो बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम वन सोर्स टू अनोदर थ्रू वेरियस मीडिया वेरियस वेज इस कॉल कम्युनिकेशन सिस्टम अब ये कम्युनिकेशन सिस्टम अगर होता है एक जगह से दूसरी सी जगह मैसेज पहुँचाना तो इसमें बहुत सारे डिवाइस जो है यूज़ होते होंगे उसको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिवाइस में यूज़ होते हैं कैसे यूज़ होते हैं तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या होता है तो हम अब मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ़ तो मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ नहीं होता बेसिकली एक सोर्स एक इन्फॉर्मेशन को एक सोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ पहुंचाना ही इस कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम नाउ वॉट आर द थ्री एशेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम देखो अगर एक सिस्ट एक इंफॉर्मेशन इस सोर्स से इस सोर्स पे जा रही हो तो देर आर वेरियस थिंग्स मतलब इन्वॉल्व मतलब ऐसा तो ही नहीं, ही नहीं कि डायरेक्ट आपने इसको यहाँ से यहाँ पूछा दिया उसमें बहुत सारे डिवाइस इन्वॉल्व होंगे तो उसमें से तीन इसेंशियल डिवाइस कौन से अगर वो होंगे तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा एक तो होता है ट्रांसमीटर एक होता है कम्युनिकेशन चैनल और एक होता है रिसीवर अब हम बारी बारी एक एक को डीप में पढ़ेंगे तो देखो which device is used to convert the message signal uh, produced by source of information into form suitable information through channel sa? transmitter देखो बेसिकली ट्रांसमीटर क्या होता है सपोज़ करो आपको एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कुछ आपने लेटर लिखा है और वो आपको इस पॉइंट पे पहुँचानी है तो आप उसको कैसे पहुँचाएंगे तो सबसे पहले तो आपकी जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है आपको उसको क्या करना करना पड़ेगा ट्रांसमीटर में देना पड़ेगा ट्रांसमीटर जो है उस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा रेडियो वेवस में और वो सप्लाई करेगा एंटीना में फिर एंटीना उसको आगे पहुँचाएगा तो ट्रांसमीटर का काम क्या हो गया कि ट्रांसमीटर प्रोड्यूस द रेडियो वेव्स क्या वॉट इज़ द वर्क ऑफ ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर प्रोड्यूस द रेडियो वेव आपकी जो ये पीस ऑफ जो इन्फॉर्मेशन हो किसी भी फॉर्म में हो सकती है वो आई साउंड वेव हो सकती है रिटर्न वर्क हो सकता है आप आपने जो भी इन्फॉर्मेशन को जिस भी सोर्स में है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो वेव में कन्वर्ट करना काम हो ट्रांसमीटर का एंटीना में पहुँचाना काम हो ट्रांसमीटर का फिर आगे की प्रोसेस अलग हो जाएगी तो सिंपल हम शब्द में हम ट्रांसमीटर की डिफिनेशन समझ सकते हैं इट इज़ द डिवाइस विच कन्वर्ट यूर इन्फॉर्मेशन विच यू वॉन्ट टू सेंड इन रेडियो वेव

थ्रू विच मीडियम इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर देखो तीन हमने पढ़ा कि तीन डिवाइस इंपॉर्टेंट है एक ट्रांसमीटर एक कम्युनिकेशन चैनल और एक रिसीवर तो बेसिकली हमने ये तो पढ़ लिया कि ट्रांसमीटर चलो रेडियो वॉइस बना रहा है अभी बीच में कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है ये समझते हैं देखो किसी भी चीज़ में अगर सपोज़ करिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपके पास एक कम्युनिकेशन चैनल होगा अब सपोज़ कीजिए आप या तो एयर में जा सकते हैं चल के या फिर वॉटर हो सकता है यहाँ पर ये क्या है कम्युनिकेशन चैनल uh, इसको हम एग्जाम्पल तोर के ले सकते हैं कि आप किस चीज में से होकर जा रहे हो तो कम्युनिकेशन चैनल भी वही होता है कि जो रेडियो वेव से वो रिसीवर तक किस फॉर्म में जा रही है उसी को हम क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल देखो समझिए कि इंफॉर्मेशन यहां पे है और आपको बी पॉइंट पे ए पॉइंट से इंफॉर्मेशन पहुंचानी है अब इसके बीच में आपको लगेगा कम्युनिकेशन चैनल अब कम्युनिकेशन चैनल दो दो फॉर्म में हो सकते हैं या तो वो हो सकता है केबल केबल फॉर्म में या आप फिर आप उसको ब्रॉडकास्ट करें केबल फॉर्म में मतलब क्या केबल बहुत सारे टाइप की होती है केबल फॉर डायरेक्ट केबल हो गया या ऑप्टिकल फाइबर हो गया इस टाइप की जो आपने केबल यूज़ करी है उसको हम बोलते हैं केबल वे ऑफ कम्युनिकेशन सेकेंड वे, वे क्या हो सकता है या तो आप उसको ब्रॉडकास्ट करें तो ब्रॉडकास्ट मतलब माइक्रोवेव से रेडियो, वे, रेडियो वेव शॉर्ट रेडियो वेवस ये यूज़ करके अगर आप इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन चैनल में से पास कर रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल आपका ब्रॉडकास्ट है तो हम उसको मतलब बोलेंगे ब्रॉडकास्ट वे तो दो वेज हो गए कम्युनिकेशन चैनल दो वेज़ के होते हैं या तो केबल या फिर ब्रॉडकास्ट जो रिसीवर तक पहुंचाने के काम करते हैं नाउ व्हाट रिसीव एंड डिकोड द सिग्नल यहाँ पे आपने एक साउंड वे एनर्जी थी उसको आपने रेडियो वेव एनर्जी में कन्वर्ट करा और उसको आपने कम्युनिकेशन चैनल की वजह से ऑप्टिकल फाइबर या ब्रॉडकास्ट की वजह से आपने उसको जो है मूव करा आगे अब यहाँ पे रिसीवर ने उसको जो रिसीव करा आपके रिसीवर ने जिस यहाँ पे एक बॉडी है एक आदमी है उसने रिसीवर को देखा आप रिसाव रिसीवर के पास जो रेडियो में जो सिग्नल लाया वो क्या डायरेक्ट समझ सकता नहीं समझ सकता तो रिसीवर का काम काम क्या है एक तो उसने रेडियो वेव को रिसीव करा और उसने जो रेडियो वेव था उसको वापस से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करा ताकि जो यहाँ पर बंदा है वो इसको समझ सके तो रिसीवर का काम क्या होता है रिसीव द सिग्नल डिकोड्स द सिग्नल एंड टू सेंड द सिग्नल टू द पीपल हुआ आर रिसिविंग इट अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन होता है उसमें क्या होता है मोबाइल फ़ोन में आप यहाँ से बोलते हैं हेलो अब हेलो क्या है एक साउंड एनर्जी है अब उसको ट्रांसमीटर क्या रेडियो फोन करेगा रेडियो फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एंटीना उसको आगे पूछाएगा कम्युनिकेशन चैनल क्या हो गया यहाँ पर रेडियो वेव्स जो पास होती है बैंडविथ में से बैंडविथ में से वो जाके कहाँ पर रिसीव होगी रिसीवर में रिसीवर क्या हो गया दूसरा फ़ोन रिसीवर फ़ोन जो है उसको किस में कन्वर्ट करेगा फिर से साउंड में और यहाँ पर आपको क्या सुनाएगा हेलो तो ये कितनी लंबी प्रोसेस है जो शॉर्ट फॉर्म में इतनी जल्दी मिली सेकेंड्स में जो पूरी हो जाती है नाउ विच डिवाइस कन्वर्ट फिज़िकल सिग्नल इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन सा डिवाइस है वो ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर trans अभी फिज़िकल सिग्नल क्या होता है जैसे फिजिकल सिग्नल जैसे कुछ भी हो गया राइटिंग हो गया स्पी आपकी स्पीच हो गया जिस टाइप ऑफ सिग्नल को अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करूँ तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं ट्रांसमीटर एग्जाम्पल क्या हो गया इसका सपोज करो कि आपने जो है माइक्रोफोन में यहाँ से आवाज़ लगाया फिजिकल सिग्नल आपने भेजा माइक्रोफोन उसको क्या करेगा एक कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक सिग्नल में तो माइक्रोफोन इज़ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसड्यूसर सिमिलरली क्या हो गया लाउड स्पीकर थर्मोमीटर थर्मोमीटर कैसे आपने जो टेम्परेचर नापा पा टेम्परेचर एक फ़िजिकल क्वांटिटी है उसको आपने डिजिटल थर्मोमीटर देखा होगा डिजिटल में शो करना ये भी एक तरह का क्या हो गया ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर इन सिंपल लैंग्वेज एनी डिवाइस विच कन्वर्ट यूर फिजिकल सिग्नल इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर नेक्स्ट देखो बैंड क्या होता है देखो बैंडविथ की अगर हम सिंपल uh, लैंग्वेज में सम, समझे डेफिनेशन तो देखो क्या होता है आप सिग्नल भेजते हो तो जो वॉल्यूम और कैपेसिटी एच पिट एट विच अ नेटवर्क कैन ट्रांसमिट इज़ कॉल्ड द बैंडविथ मतलब कितनी कैपेसिटी है उसी को हम बैंडविथ बोलते हैं या फिर उसकी दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं इट इज़ कोल्ड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब क्या हुआ रेंज क्या होता है मतलब हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिकुवेंसी इज़ कॉल्ड बैंडविथ ऑफ पर्टिकुलर आ, वेव तो आपने सुना होगा कि जो 5G है वो थ्री हर्ट्स से लेकर थ्री थाउजेंड मेगा मेगा हट से गीगा हर्ट्स तक वर्क कर सकती है तो ये उसकी क्या है बैंडविथ है वो इतने बैंडविथ में काम कर बैंडविथ में जो है अप्लीकेबल है या फिर उस बैंडविथ में काम कर सकती है तो बैंडविथ क्या हो गया कैपेसिटी एट विच नेटवर्क इन ट्रांसमिट सिग्नल्स इसको ऐसा बोल सकते हैं एक और उसको समझने के लिए और सिंपल टर्म में आपको समझाता हूँ जैसे कि आपने सुना होगा कि फलाना की बैंडविथ फोर्टी इसको हम मेजर कर करते हैं कि मेगा बाइट पर सेकेंड तो जैसे चालीस मेगा बाइट पर सेकेंड बैंडविथ है इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी कैपेसिटी कितनी है चालीस मेगा बाइट पर सेकेंड ट्रांसफर करने की इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता इसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है तो इसको ही हम क्या बोलते हैं बैंडविथ नाउ नेक्स्ट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिपीटर क्योंकि रिपीटर क्या होता है टू एक्सटेंड द रेज ऑफ कम्युनिकेशन अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने ट्रांसमीटर लगाया यहाँ पर रिसीवर लगाया तो यहाँ से ट्रांसमीटर से कम्युनिकेशन चैनल में गया कम्युनिकेशन चैनल से रिसीवर में गया पर ऐसा भी हो सकता है कि जो आ, हमने ट्रांसमीटर से भेजा पर रिसीवर बहुत दूर हो तो फिर डायरेक्ट जाना मुश्किल हो तो हम क्या करेंगे बीच में एक रिपीटर लगा देंगे ट्रांसमीटर से रिपीटर में आया रिपीटर उसको रीसेंड करेगा रीट्रांसफर करेगा तो और उसको फिर रिसीवर पर पहुँचाएगा तो बीच में ये हमने लगाया रिपीटर इसने क्या करा एक्सटेंड कर दिया रेंज ऑफ कम्युनिकेशन तो इसी को डिवाइस को क्या हम बोलते हैं रिपीटर नेक्स्ट वॉट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल देखो ट्रा, ट्रांसमीटर डायरेक्ट सेंड नहीं करता ट्रांसमीटर तो फर्स्ट फिजिकल फॉर्म जो भी आपका वो मतलब मैसेज था उसको क्या करा उसने रेडियो में, में कन्वर्ट करा देन उसने सेंड टू तो एंटीना एंटीना से कम्युनिकेशन चैनल देन एंटीना ने रिसीव करा देन रिसीवर एंड देन द फिज़िकल वॉइस और वॉट एवर यू गेट एस अ मैसेज तो ये काम कौन करता है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का र, रेडियो से फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स का एंटीनास एंटीनास आपने देखे होंगे घर पे ऐसे लगे रहते हैं ये सब क्या होते हैं एंटीनास और नेक्स्ट पॉइंट देखो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है और मॉड्यूलेशन क्या होता है अब हमको पता है कि देखो जो अर्थ है उसमें हम अर्थ इज़ अ काइंड ऑफ स्पीयर तो आप यहाँ पे और यहाँ पे तो सिग्नल पहुँचा सकते हो इट इज़ इजी बट व्हाट इफ आपको सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँचाना तो यहाँ पे सिग्नल पहुँचाना इज़ वेरी टफ तो इसका सब्सटीट्यूट हमने क्या ढूंढा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम से हम यहाँ से तो, यहाँ तक तो ठीक है हम यहाँ तक भी सिग्नल पहुँचा सकते हैं मतलब किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड के हम सिग्नल पहुँचा सकते हैं वो क्यों पॉसिबल हो पाया सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से तो सेटेलाइट कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन क्या होता है देखो सेटेलाइट कम्युनिकेशन में कुछ नहीं होता है आप जो चैनल यूज़ कर रहे हो अगर उसको आप सेटेलाइट बना कुछ ऐसा चैनल यूज़ करेंगे तो वो होता है सेटेलाइट कम्युनिकेशन आपने यहाँ से रिसीव करा रि यहाँ पे चैनल सेटेलाइट के पास गया सैटेलाइट ने रिसीवर को भेजा रिसीवर ने उसको डिकोड करा तो इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं सेटेलाइट कम्युनिकेशन अभी मॉड्यूलेशन क्या होता है देखो क्या होता है कभी कभी जो फ्रिक्वेंसी या फिर आप जो मैसेज भेजते हैं ये वेव से भेजते हैं वो जो है मतलब बहुत आगे तक नहीं जा पाती वो बीच में ही या तो उसकी फ्रिक्वेंसी लो हो जाएगी या फिर वो कहीं ना कहीं जाके उसको एकदम लो हो जाएगी तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं मॉड्यूलेशन तो मॉड्यूलेशन बेसिकली कुछ नहीं है आप क्या करेंगे आप जो आपकी वेव्स भेज रहे हो उसको आप तो मॉड्यूलेट करेंगे दूसरी एक कम्यू हम जिसको बोलते हैं कैरियर वेव आप इस कैरियर वेव पे आपकी जो वेव से उसको आप इस पर ट्रांसमिट करेंगे कैरियर वेव का काम होगा आपको रिसीवर तक ले जाना फिर आप वहाँ पर डी मोड्यूलेशन लगाएंगे कैरियर वेव से आपका सिग्नल रिमूव करेंगे या फिर हटाएंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर देन आप उसको यूज़ करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट टू पुट योर वेव ऑन अ कैरियर वेव देन अगेन डी मोड्यूट डी मोड्यूल एट द एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मोड्यूलेशन तो देखो विच वेव आर यूज फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सेटेलाइट कौन सी होती है शॉर्ट वेव रेडियो वेव अभी ये शॉर्ट रेडियो वेव इसी क्यों होती है दूसरी माइक्रोवेव यूवी एंड विजिबल ये सब क्यों नहीं होती है देखो इसके दो कारण हैं एक कारण तो ये हो गया कि जो रेडियो वेव से ये जब निकलती है तो इट इज़ नॉट हार्मफुल फ़ॉर ह्यूमन बॉडी तो सब फर्स्ट एक रीज़न तो ये हो गया कि इट इज़ नॉट हार्मफुल फ़ॉर ह्यूमन बॉडी सॉरी It is not harmful for human body. So, one reason is radio why we are using the radio wave. Well, the second wave uh, is that radio waves is easy to move from all the materials. So, these are the two practical reasons which shows that why you we use radio wave instead of uh, what we can say other waves. It is transmit easily and no damage to, no damage to human body. Now, next, what are the communication satellites used for? अब ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट से ही समझ में आ रहा है क्या कि टू रिसीव रिडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल अब सेटेलाइट बहुत सारी होती है जियो स्टेशनरी सैटेलट वेदरिंग सेटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत सारी सेटेलाइट होती है तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज़ क्या है इट इज़ यूज़ फॉर कम्युनिकेशन अब हमारे पास जो इंडिया में जो कम्युनिकेशन सैटेलट है उनके नाम क्या है नेम द रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट ऑफ इंडिया कौन कौन सी है हमारे पास आर आई आर एस वन ए आई आर एस वन बी आई आर एस वन सी और भी होती है इसका फुल फॉर्म क्या है इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट ना नेक्स्ट विच फिनना इज नोन एज सुपर इम्पोजिंग ऑफ लो फ्रिक्वेंसी मैसेज और हाई फ्रिक्वेंसी वेव अभी मैंने बताया क्या होता है मॉड्यूलेशन आपका जो लो फ्रिक्वेंसी मैसेज है उसको कैरियर वेव जो कि हाई फ्रिक्वेंसी वेव होती है उस पर सुपर इम्पोज करना और उसको आगे तक पहुँचाना इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इन विच मॉड्यूलेशन द एम्प्लीट्यूड ऑफ फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव डिंग टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो आपका रेडियो वेव है और एक ये क्या है कैरियर वेव है ये लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर ये कैरियर वेव है जिस पर जि, आपका जो सिग्नल जाने वाला है ये आपके रेडियो वेव है तो जो रेडियो वेव है वो अगर मॉड्यूलेट करती है आपके कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को हम ऐसा बोल सकते हैं इसको इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ केरियर वेव इस Modulated by the signal wave, then it is called ampli amplitude modu modulation. Similarly, similarly, in which modulation frequency of carrier signal is varied with amplitude of modulating signal? If the frequency of the, this carriers, carrying, carrier signal is changed by the signal over our original signal, then it is called frequency modulation. Simple terms if amplitude is changed, this is amplitude modulate, modulation, if frequency is changed, then it is called frequency modulation. नेक्स्ट नाउ व्हाट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन टेलीविज़न फॉर साउंड सिग्नल कौन सा होता है इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एन ऑडियो सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड वेव देखो अभी क्या था एक वेव थी एक हमारी वेव थी हमने इसको वेव को चढ़ाया तो इस वेव को हमने क्या बोल दिया कैरियर वेव या मॉड्यूलेटेड वेव अब हम इसको ऐसे कैसे तो रिसीव कर नहीं सकते तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा डी मॉड्यूलेट करना पड़ेगा तो इस वेव कैरियर वेव से हमारी वेव को हटाने की प्रोसेस जो बोलती है उसको हम बोलते हैं डी मॉड्यूलेशन देखो सेपरेट करना ऑडियो सिग्नल जो हमारा सिग्नल था उसको जहाँ मॉड्यूलेटेड वेव हमने बनाई उसमें से नाउ नेक्स्ट विच डिवाइस इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड वेव वही दे रखा मोडम अब मोड़ेम मतलब कुछ नहीं होता है मोडेम होता मतलब होता है एम ओ मोड्यूलेशन डी ई एम मतलब डी मोड्यूलेशन तो मोडेम का फुल फॉर्म हो गया मोड्यूलेशन डी मोड्यूलेशन तो हम इसको सिंपल टर्म में समझ लिया कि मोड्यूशन डी मोडेशन क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है ट्रांसमीटर इसमें ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ है नहीं आपको बस कंसेप्ट समझना है कि क्या होता है कितने फॉर्म की वेव्स होती है एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग तो इसी तरह हमारा ये टॉपिक खत्म होता है थैंक यू